अभी लगातार हम लोग सीयूटीबीजी के अनऑफिशियल कट ऑफ के वीडियोस ले आ रहे हैं। बीएचयू के बहुत सारे कोर्सेज के कट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप जाइए अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज के लिए उन वीडियोस को देखिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू एमए हिंदी। बहुत सारे बच्चों के कल लाइव सेशन में अक्सर एक क्वेश्चन में देखा कि सर मेरा मार्क्स इतना है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली आप सभी को आज ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। ध्यान देना कि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। आप चैनल को पहली बार अगर देख रहे हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पूरे काउंसलिंग तक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कहीं पे मैं टेलीग्राम पे एक लिंक देखा, वहां पे वो लोग पेड काउंसलिंग करा रहे हैं, यानी जो ये सब वीडियो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ वहां पे ₹50 आपसे लेके आपको देंगे और अपने आप को एज ए एक्सपर्ट ट्रीट कर रहे हैं। अपना 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 सबका मेथड है, कोई बात नहीं है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है, लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ तो आप लोग को शायद फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब जरूर करें। एमए हिंदी का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, अनऑफिशियल है ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो ऑफिशियल लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसी की बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग कुछ रिजर्व कैटेगरीज की बात करेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का। इसमें पीएच के बच्चे भी होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग बनता है, तो इसी में समझ लेना कि पीएच लगभग जितने होंगे सबको बुलाया जाएगा और गर्ल्स का जो है वो इन्हीं मार्क्स में अपना कंसिडर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसी में कंसिडर करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीएमसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, बीएचयू के गेट के अंदर जो एमए का डिपार्टमेंट है उस पे मैं ये कट ऑफ लिया हूं। इधर मैंने एफिलेटेड का डिस्कस किया है, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जनरल अगर आप 180 यानी कितने में से 300 में से, आउट ऑफ 300 में से यानी 300 में 180 नंबर आप ले आते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी लगभग 90% से ज्यादा है कि आपको डीएमसी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, वही जो हिंदी विभाग बहुत ज्यादा फेमस है, जहां से बहुत सारे विद्वान निकले हैं, उनकी पुस्तकें आप पढ़ते हो, वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 180 प्लस पे। ओबीसी के लिए अगर देखा जाए तो 160, ईडब्ल्यूएस के लिए 165, एससी के लिए 140 और एसटी के लिए 90। ये कुछ आपके लगभग आने वाले फर्स्ट और सेकंड राउंड तक कट ऑफ जाएगा। कौन से राउंड तक? फर्स्ट और सेकंड राउंड तक। और मैं अगर लास्ट एफिलेटेड तक जाके देखो, ठीक है, यानी एफिलेटेड तक, ये जो है ये डीएमसी का, एफिलेटेड में भी सीटें बहुत रहती हैं, तो एफिलेटेड में लड़कियों को बहुत फायदा होने वाला है। आप लगभग 15 नंबर घटा लेना या फिर आप लगभग आने वाले 6 या 7 राउंड तक अपने आप को अगर कंसिडर करोगे तो ये 15 नंबर घट के आपको आपका कट ऑफ नजर आएगा। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हमारी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितने नंबर पे है, तो फाइनली ये नंबर आप देखो अपने आंसर की में, ये नंबर आपकी आ रही है कि नहीं। अगर ये नंबर आ रही है तो आप राहत की सांस ले सकते हो कि चलो ठीक है, हमारा बीएचयू के एमए हिंदी डिपार्टमेंट में हो जाएगा। अगर इस नंबर से लगभग 10 नंबर 15 नंबर कम है तो भी आप उम्मीद कर सकते हो, लगभग आप 30 नंबर 40 नंबर पीछे हो तब आपको और यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, और इस नंबर से प्लस में हो तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ध्यान दीजिएगा, इफ बट इसमें रहेगा क्योंकि अनऑफिशियल वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आ रहा हूँ बाकी कोर्सेज पे, तो अपने दोस्तों को चैनल जरूर सब्सक्राइब करने को बोलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।